आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज के इस पावन पर्व पर हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म आज हुआ है, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म अपने मन में भी करें, इस प्राकट्य को अपने मन में करें, तो निश्चित रूप से आज जो ये झांकियाँ, जीवन झांकियाँ लगी हैं, इन झांकियों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे, तो मेरा मानना है कि खुद का, शहर का, देश का विकास करेंगे। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूरा अजमेर, पूरा राजस्थान, पूरा भारत कृष्णमय हो गया है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह कृष्ण जन्म ले और हम उनसे जो प्रेरणा लेकर के एक कर्म योगी जिस प्रकार गीता का ज्ञान उन्हें अर्जुन को दिया, हम सब ने कर्म करके हम अजमेर को एक स्मार्ट सिटी बनाएं, आगे विकास करें। और आज इस आज़ाद पार्क पे जिस प्रकार नगर निगम और इनकी टीम ने इस प्रकार की बड़ी झांकियां, एक बहुत अद्भुत झांकियां प्रदर्शित की हैं, मैं अजमेर के मेयर उनकी टीम को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अजमेर के तमाम वासिंदों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। परम पिता परमेश्वर तमाम लोगों के घरों में खुशियों की सौगात लेके आए।